Welcome back. As you can see, we are discussing 50 most important terminologies, which is basically for information practice class 12, and this is part number 2. Here we are going to discuss remaining 25 terms. Iske previous video mein, that is 50 most important terms part number 1 mein, humne already first 25 terms ko discuss kiya tha. जिसे यदि आपने मिस कर दिया या आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन पे आपके साथ शेयर कर दिया है, जिसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं. दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस ग्रेड 12 एंड नॉट ओनली फॉर ग्रेड 12 स्टूडेंट, इट कैन बी हेल्पफुल फॉर एनी स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग आईटी एज देयर सब्जेक्ट. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टिक टिक नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. But before that, I would like to request you that please subscribe my channel if you are visiting for the first time. आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. And if you really like this video, then please don't forget to like and share it as well. So let's see all the remaining 25 terms. एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं. So the first term for this particular video is URL. As we all know that URL stands for Uniform Resource Locator, which is basically known as the web address of a particular website, or you can say the document which we see in www. ये basically एक unique identifier होता है, which is basically किसी website के एक unique address को specify करने के लिए हम लोग use करते हैं. जहां तक बात है URL के components की, see what happens कि यदि आप किसी website का address कुछ इस तरीके से लिख देते हैं like microsoft.com, so this cannot be said a URL because ये एक वेबसाइट एड्रेस के रूप में हम ट्रीट करते हैं. लेकिन जब आप URL की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें तीन डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि दो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. वन इज योर प्रोटोकॉल एंड द सेकेंड इज नेम और एड्रेस ऑफ द सर्वर, दैट यू कैन सी हियर. एंड थर्ड इसमें यदि आप चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फाइल, कि यदि आप चाहते हैं कि डायरेक्ट मेरा डाउनलोड का पेज ही ओपन हो तो आप सीधे उस एड्रेस को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. लेट सपोज दिस इज द एड्रेस वेयर यू कैन सी देर आर थ्री पार्ट्स. वन इज योर प्रोटोकॉल, सेकेंड इज द मेन एड्रेस और यू कैन से द नेम एड्रेस, विच इज अगेन कंबाइंड विथ थ्री डिफरेंट पार्ट, दैट इज द www, दिस इज योर डोमेन नेम एंड दिस इज वॉट द एक्चुअल नेम. And this is the exact file location we can see. So this is how we can understand what is this URL actually. Let's move to the next term now. Now here it is talking about intellectual property rights. Now what do you mean by this intellectual? First of all, it is very important to understand. Intellectual in the sense the things which comes from your logic, the thing which you solve, the thing which you make with your own brain, that is basically intellectual. और जब प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि इस तरह की क्रिएशंस, इस तरह के रिसर्चेस, इस तरह के इन्वेंशंस जो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं डिफरेंट लॉजिक्स को या अपने ब्रेन्स को यूज करते हुए इम्प्लीमेंट करता है, दोज सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज आर बेसिकली कॉल्ड यू नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज. से फॉर एग्जाम्पल इन जनरल इफ आई से कोई भी जो आर्ट वर्क आप देखते हैं वो बेसिकली किसी भी पर्सन का एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकता है. सिमिलरली कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने कोई अपना एक ग्राफिक्स डिजाइन किया है, यदि आपने कोई अपना एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, या यू कहें कि इस तरह की कोई आपने स्टोरी लिखी हुई है, कोई आपकी कंपोजिशन है, ऑल दीज आर बेसिकली कॉल्ड यू नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आप इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्पेशली जब आप इंटरनेट में शेयर करते हैं, सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ इलीगल एक्टिविटीज आपके क्रिएटिव वर्क के साथ हो, इन द सेंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के साथ हो. इन द सेंस हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपकी प्रॉपर्टी को इलीगली अपने नाम से शो करके सेल आउट कर दे, या हो सकता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश करे. तो ऐसी सिचुएशन में यदि आपके पास प्रॉपर राइट्स नहीं होंगे अगर अपनी प्रॉपर्टी को लेके, सो आपको एक ह्यूज लॉस हो सकता है और डेफिनेटली ये आपको डीमोटिवेट करेगा इन फ्यूचर इस तरह के क्रिएशंस के लिए. सो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रावधान है जो ये इंश्योर करता है कि जो भी इस तरह के क्रिएटिव वर्क या इन्वेंशंस किए जाते हैं या डेवलपमेंट्स किए जाते हैं, उन सब का पूरा राइट उस इंडिविजुअल या जो उसका ऑनर होता है उसके पास होना चाहिए, और वो खुद डिसाइड कर सकता है कि इस प्रॉपर्टी को मुझे किसके साथ शेयर करना है या नहीं करना है,
और उसकी बेसिस पे वो उसकी अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी ले सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड द पर्पज ऑफ IPR इज ऑल अबाउट यू नो ऑब्वियसली इनकरेजमेंट फॉर न्यू इन्वेंशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स एटसेट्रा. सिमिलरली अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना एंड एज आई सेड कि जब आप इसमें फाइनेंस को इंक्लूड करते हैं तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो हमारी नेशनल इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करता है. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म नाउ. हियर यू कैन सी वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री सॉफ्टवेयर. नाउ एज इट नेम इम्प्लाइज यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर विच आर फ्री टू यूज. इवन वी कैन से दैट विच आर नॉट ओनली फ्री टू यूज, वी कैन अपडेट इट, वी कैन कॉपी इट एंड वी कैन ऑल्सो एट द सेम टाइम डिस्ट्रीब्यूट इट टू अदर्स. सो दैट इज वॉट योर फ्री सॉफ्टवेयर. और इसके लिए कोई आपको पेमेंट नहीं करनी होती. बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, दैट इज वी कैन नॉट मॉडिफाई दिस फ्री सॉफ्टवेयर फ्रॉम आर साइट. हम सिर्फ इसे यूज कर सकते हैं और ऑब्वियसली उसके जो अपडेटेड वर्जन आएंगे तो आप उसमें अपडेशंस भी कर सकते हैं. आप चाहें तो इसे कॉपी कर सकते हैं. बट अगर इसे मॉडिफाई करने की बात की जाए, से फॉर एग्जाम्पल आपका एक सॉफ्टवेयर है ए जिसमें कि आपके पास 4 फीचर्स हैं और आप कोशिश करें कि इसमें 5th फीचर को आप अपनी ओर से इंक्लूड कर दें, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो दिस इज समथिंग अबाउट द फ्री सॉफ्टवेयर. सम ऑफ द फ्री सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल्स यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ देयर, बट आई हैव टेकन दिस एडोबी रीडर विच इज वन ऑफ द फेमस फ्री सॉफ्टवेयर वी जनरली यूज. सिमिलरली वी हैव क्रोम ब्राउजर विच इज अगेन अ फ्री सॉफ्टवेयर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ. Now here we are talking about CSV file, and as we know that CSV is all about comma separated values file. Now the question is that what's the purpose of this file actually? So basically, obviously जैसा इसका नाम है, जब हम बात कर रहे हैं file की, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इस file में भी different type of informations को manage कर सकते हैं. Now information manage करने की बात आती है तो mostly we take the help of databases. और जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली यू कैन टेक MySQL, यू कैन ऑल्सो टेक दिस एक्सेल शीट एज वेल. सिमिलरली इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए इन ईजियर मैनर वी कैन ऑल्सो यूज दिस CSV फाइल्स. CSV फाइल को यूज करने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है दैट इज ये कि इसमें जो भी डेटा होते हैं वो एज ए प्लेन टेक्स्ट सेपरेटेड बाय कॉमा हम स्टोर करते हैं. राइट नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, this is your CSV file and this is what you can say an Excel file. So यहाँ पे row and column का कोई particular format नहीं होता है. दूसरा इस CSV file को use करने का एक बहुत बड़ा advantage ये है कि इसके लिए आपके application को बहुत ज़्यादा specific नहीं होना पड़ता है in terms of any software, because ये जो basic file होती है ये एक simple text file होती है which is obviously easily readable by human as well as any application. सो मोस्ट ऑफ द टाइम nowadays इंटरनेट में जो भी बड़ी एप्लीकेशंस रन हो रही हैं, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके गूगल क्लासरूम की बात करूं, अगर आपकी क्लासरूम में जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स की है या इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज मैनेज की जा रही हैं, जब आप उसका बैकअप लेते हैं यू विल सी वो पूरा का पूरा बैकअप आपके CSV फाइल के फॉर्म में आता है. सिमिलरली इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ फेसबुक, इसमें भी अगर आपके पास डेटा बैकअप लेने की फैसिलिटी है और अगर आप इसका बैकअप लेंगे डेफिनेटली वो भी आपके CSV फाइल में ही आपको डेटा रिटर्न करता है. सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस CSV फाइल. एंड वन मोर थिंग आई जस्ट फॉरगेट टू शेयर विथ यू ऑल दैट इट इज वेरी लेस कॉम्प्लेक्स फाइल बिकॉज इसमें कॉम्प्लेक्सिटी का इशू नहीं होता है, इसलिए इसका ज्यादातर इस्तेमाल हम करते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म नाउ. नाउ हियर इट इज टॉकिंग अबाउट स्विच. बेसिकली इट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस. We all know that switch is obviously a network device which can connect multiple nodes and it can receive informations from all the nodes and send it only to the selected node. This is what the feature of this switch actually. What happens ki agar aap koi computer system ka network establish kar rahe hain, suppose there are 4 systems, to in sab ko aapas mein connect karne ke liye hum ek single device use karte hain jo basically ek hub hota hai. बट हब के साथ बात यह होती है कि हब जो होता है वो बेसिकली एक पैसिव डिवाइस होता है. पैसिव डिवाइस का मतलब ये है कि यदि आप हब से इन चारों सिस्टम को कनेक्ट कर दें तो कम्युनिकेशन तो इन चारों सिस्टम में स्टार्ट हो जाता है बट ये हब का अपना खुद का कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है. अगर ये कंप्यूटर नंबर 1 है, ये अगर कोई सिग्नल सेंड करता है
तो ये हब बिना कुछ सोचे समझे उन सारे सिग्नल्स को तीनों मशीन में सेंड कर सकता है। बट अगर हम इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा कंप्यूटर नंबर वन सिर्फ कंप्यूटर नंबर टू को ही सेंड करना चाहता है किसी सिग्नल को, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस हब वी कैन यूज स्विच। एक्चुअली दिस स्विच इज अगेन द सेम रोल प्ले विच हब प्ले, कि ये भी मल्टीपल डिवाइसेस को मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट करने का काम करता है। बट डिफरेंस सिर्फ इतना ये होता है कि स्विच जो होता है, जो भी सिग्नल रिसीव करता है किसी एक पर्टिकुलर नोड से, देन इट कैन डिसाइड कि वो किस पर्टिकुलर नोड को मुझे सेंड करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्विच एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट इंटेलिजेंट हब, जो कि जैसे मैंने कहा कि डिसीजन ले सकता है। और स्विच जो होता है ये डेटा को डुप्लेक्स मोड में ट्रांसमिट करता है। डुप्लेक्स का मतलब ये है कि दो सिस्टम के बीच में ट्रांसमिशन हो रहा है, तो वो टू वे ट्रांसमिशन है। एट द सेम टाइम ये सेंड भी कर रहा है और एट द सेम टाइम ये रिसीव भी कर रहा है सिग्नल डेटा को। सो दिस इज व्हाट योर डुप्लेक्स, व्हिच इज नॉट इन केस ऑफ हब मोस्टली। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म नाउ। वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट फंक्शंस, व्हिच इज अगेन पार्ट ऑफ SQL। एग्रीगेट फंक्शन का मतलब होता है जो बेसिकली स्टैटिस्टिकल फंक्शंस होते हैं, और इनका इस्तेमाल हम SQL में ऑब्वियसली जो हमारे पास रिकॉर्ड सेट होता है, हमारे टेबल में जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स होते हैं, उनकी समरी जनरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। समरी का मतलब, जैसे मैं अगर बात करूं, एक टेबल मैं यहां पे रेडी करता हूं। लेट सपोज यहां पर एक छोटा सा मैंने टेबल लिया एंड यू कैन सी यहां पे मेरे पास दो कॉलम्स हैं, आइटम नेम और क्वांटिटी। एक पर्टिकुलर डेट पे मेरे ये तीन प्रोडक्ट्स हैं A, B and C, जिनकी डिफरेंट सेलिंग्स हुई अलग अलग टाइम पे। After that, at the end of day, I want to calculate कि individual items का total quantity sale कितना हुआ है। So what I can do, मैं यहाँ पर aggregate function का इस्तेमाल करूँगा और इस function की help से मैं calculate करूँगा हर एक individual item का total sum। So this is called basically, you know, aggregate operation। और इसके लिए जो functions हम इस्तेमाल कर सकते हैं, that is your sum, average, count, max and min। Say for example, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ select, एंड इसके बाद अगर मैं लेता हूं आइटम नेम, एंड इसके बाद मैंने लिखा सम ऑफ दिस क्वांटिटी, एंड इसके बाद में देर इज ए क्लॉज विच इज नोन एज व्हाट ग्रुप बाई, जहां पे मैं बोलता हूं कि आइटम नेम की बेसिस पे आप पूरे रिजल्ट को ग्रुप करो, इन द सेंस समरी जनरेट करो। सो यू विल सी यहां पर जो रिजल्ट होगा दिस विल बी लाइक ABC एंड A का जो टोटल सम होगा लाइक 10, 5 देन 2 and 10, सो दिस विल बी ऑलमोस्ट 27 एंड दिस इज हाउ जो भी वैल्यूज जनरेट होंगी वो यहां पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस एग्रीगेट फंक्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। हियर इट इज टॉकिंग अबाउट द टपल। टपल इज बेसिकली वी कैन से RDBMS टर्मिनोलॉजी वेयर इट रिप्रेजेंट अ सिंगल रिकॉर्ड ऑफ ए टेबल एंड दैट टेबल इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट अ रिलेशन। अगेन फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई टेबल। इस टेबल में लेट सपोज दिस इज माई कॉलम हेडिंग वेयर आई एम टेकिंग दिस आइटम नंबर नेम देन रेट देन क्वांटिटी। सो इस पूरे टेबल को एक्चुअली हम रिलेशन के नाम से जानते हैं RDBMS में। और ये जो इंडिविजुअल एक रो होती है विच इज एक्चुअली नोन एज व्हाट रिकॉर्ड इन अदर लैंग्वेज और स्पेशली इन लैंग्वेज ऑफ DBMS, इसे हम यहाँ पे टपल के नाम से जानते हैं। एट द सेम टाइम ये जो आपकी फील्ड नेम होती है विच इज कॉलम नेम, एक्चुअली इट इज नोन एज व्हाट योर एट्रीब्यूट। सो दीज आर दी टर्मिनोलॉजीज वी जनरली यूज इन RDBMS। Although in general हम कभी भी इन टर्म्स का ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, बट फॉर योर नॉलेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टर्म एज वेल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। नाउ हियर इट इज टॉकिंग अबाउट दिस पाई चार्ट। वी ऑल नो दैट पाई चार्ट इज बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ पिज्जा शेप चार्ट, जिसमें कि एक सर्कल ग्राफिक होता है जो कि डिफरेंट स्लाइसेस में डिवाइडेड होता है। एज फार एज इट्स पर्पज इज कंसर्न, वी ऑल नो दैट कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ आइटम, उस ग्रुप ऑफ आइटम में इंडिविजुअल आइटम का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना कंट्रीब्यूशन है, इसे डिटरमाइन करने के लिए ज्यादातर हम पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। और पाई चार्ट में सिर्फ एक ही डेटा सीरीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप पाइथन में पाई चार्ट रेडी करना चाहते हैं तो वी ऑल नो दैट डेटा विजुअलाइज करने के लिए वी यूज दिस मैट प्लॉट लाइब्रेरी इन पाइथन प्रोग्रामिंग। एंड मैट प्लॉट लाइब्रेरी में भी जो मॉड्यूल हम यूज करते हैं दैट इज बेसिकली पाई प्लॉट, जिसका इस्तेमाल करके आप इस पाई चार्ट को रेडी कर सकते हैं। और पाई चार्ट रेडी करने के लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर पाई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। हियर इट इज टॉकिंग अबाउट सीरीज। नाउ सीरीज वी ऑल नो दैट इज पार्ट ऑफ पाइथन पांडा लाइब्रेरी एंड इट इज बेसिकली अ डेटा स्ट्रक्चर
especially one dimensional data structure which we can say similar to an array, and obviously it is used for storing and organizing data in our computer system. And there are some properties of series which is also very important to know, that series is mutable in values. Matlab is koi bhi series agar aap ready karte hain, let's suppose this is my series like 40, to iski jo values hai agar is 20 ko aap 25 kare, this will be accepted. बट अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा ये जो एग्जिस्टिंग सीरीज है इसकी लेंथ 4 की जगह एक नया आइटम ऐड होके 5 हो जाए, सो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज इम्यूटेबल एंड इट ऑलवेज स्टोर्स होमोजीनियस डेटा. इन द सेंस सीरीज में केवल एक ही टाइप ऑफ डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं एट ए टाइम. जहां तक इसके इस्तेमाल करने की बात है, ऑब्वियसली पहले तो हमें अपनी पैंडा लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना होता है, सो वी ऑलवेज राइट इम्पोर्ट नो पैंडास एज पीडी. एंड इसके बाद में अगर आप कोई सीरीज ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सो वी कैन टेक इट टू एस इक्वल टू देन दिस पैंडा ऑब्जेक्ट डॉट, हम लेते हैं सीरीज मेथड और इसके अंदर में हम पास करते हैं डेटा का कुछ वैल्यू. और अगर आप चाहें मैनुअल इंडेक्स करना तो इंडेक्स के लिए भी कोई सीरीज पास कर सकते हैं. जहां तक डेटा की बात है, यू कैन पास एनी नंपाई अरे, यू कैन पास एनी लिस्ट, यू कैन पास एनी डिक्शनरी, सो वो कुछ भी हो सकता है. से फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई लिस्ट, अगर मैं ले लूँ एल इक्वल टू दिस, तो आप यहाँ पे डेटा इक्वल टू एल करके इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, एक सीरीज रेडी होगी विद डिफॉल्ट इंडेक्स. लेकिन अगर आपने कोई एक और दूसरी लिस्ट ली जहां पर आपने लिखा है ए बी सी डी एंड ई, और इस एल वन को अगर आप एज ए इंडेक्स यहाँ पे पास करेंगे, तो इस सीरीज का जो इंडेक्स होगा दिस विल बी लाइक ए बी सी डी एंड ई, और इसका जो वैल्यूज होगा दिस विल बी लाइक 10, देन 25, देन 30, देन 40, देन 60. So this is how we can understand this series. Let's move to the next point now. Here it is talking about the shareware. Well, shareware is again a software which is free to use. But freeware or shareware में जो difference होता है वो यही होता है कि shareware basically एक particular time period के लिए आपको free मिलता है, और उस time period के बाद में आपको उस particular software को purchase करना पड़ता है अगर आप उसे use करना चाहते हैं. तो बेसिकली बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के लिए, मार्केट में एस्टैब्लिश करवाने के लिए उसे पहले फ्री प्रोवाइड करती हैं, और उसके बाद में अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उस टाइम पीरियड के बाद वो आपसे डिमांड करती हैं कि आप उसके अगेंस्ट कुछ पे करें, आप उसके लिए लाइसेंस परचेस करें, एंड देन ओनली यू कैन यूज इट. सो दिस समथिंग अबाउट द शेयरवेयर. द नेक्स्ट पॉइंट इज आवर रूटर. वेल, राउटर और रूटर इज बेसिकली अगेन अ हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस. एंड एज आई सेड कि चाहे वो हब हो, चाहे वो स्विच हो, चाहे वो राउटर हो, इन सब का काम होता है मल्टीपल नोड्स को आपस में कनेक्ट करना. बट इन सब में थोड़ा थोड़ा एक डिफरेंस होता है. एज आई सेड कि हब जो होता है वो पूरी तरह से एक डंब डिवाइस होता है, और इसे इंटेलिजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं स्विच का. लेकिन जब आप स्विच को यूज करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटोकॉल के लिए ही सुटेबल होता है. इन द सेंस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स के नेटवर्क को यदि आप स्विच की हेल्प से कनेक्ट करना चाहते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल. एंड वहां पर फिर हम यूज करते हैं किसका, रूटर का. लेट सपोज देर इज यू कैन से नेटवर्क जिसका एक टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल वर्कआउट कर रहा है, एंड देर इज एन इंटरनेट जहां पर कि हम HTTPS का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब इनको यदि आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये जो नेटवर्क है ये रूटर से हम कनेक्ट करेंगे, और ये रूटर जो है वो बेसिकली आपके इंटरनेट से आपको कनेक्ट करेगा. सो इंटरनेट की अपनी एक लैंग्वेज है, इन द सेंस अपना एक खुद का प्रोटोकॉल है, और इस कंप्यूटर नेटवर्क का अपना खुद का एक प्रोटोकॉल है, मोस्टली दैट इज TCP/IP. सो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रूटर का. रूटर की खास बात ये होती है कि इसके पास ये एबिलिटी होती है कि जब कोई डेटा ये रिसीव करता है और जब आप उसे सेंड करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट रूट को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है जहां पर वो इजिली विथ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इफिशियंटली डेटा को पास कर सके. एंड रूटर जो होता है ये ज्यादातर हम ऑब्वियसली एज आई सेड वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की, जहां पे ऑलमोस्ट सभी प्रकार के जो प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क होते हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं. So it is responsible for receiving, analyzing and moving incoming data packets to another network. So this is how we can understand this router. Let's move to the next point now. We are talking about matplotlib in Python. So as I said just a while ago that ki jabhi bhi aap
कोई 2D ग्राफिक्स पे वर्कआउट करना चाहते हैं या 2D प्लॉट्स रेडी करना चाहते हैं, तो उस समय हमें अपने पाइथन में एक्सप्लिसिटली मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को ऑब्वियसली पहले तो इंस्टॉल करना पड़ता है, और उसके बाद इसमें अवेलेबल यूटिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए इसे हमें अपने प्रोग्राम में इम्पोर्ट करना पड़ता है। मैटप्लॉटलिब बेसिकली एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट इंटरफेसेज होते हैं। एज आई सेड, पाइप्लॉट इज वन ऑफ देम, जिसका इस्तेमाल करके आप 2D प्लॉटिंग का वर्क कर सकते हैं। सो सिंपली वी कैन से इट इज़ ए लाइब्रेरी अवेलेबल इन पाइथन विच इज बेसिकली यूज फॉर मेकिंग और क्रिएटिंग और वर्किंग विथ 2D ग्राफिक्स एंड 2D प्लॉट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी की। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड कॉमन टर्मिनोलॉजी स्पेशली इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड वी ऑल आर अवेयर विद दिस, बट अगेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम माई साइड दैट प्राइमरी की इज बेसिकली SQL कॉन्स्टेंट। एज फार एज SQL कॉन्स्टेंट इज कंसर्न्ड, इट्स ऑल अबाउट वैलिडेशन ऑफ डेटा। इट इंश्योर्स दैट वैलिड डेटा इज स्टोर्ड इन योर टेबल। उसी SQL कॉन्स्टेंट में ही एक टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट होता है प्राइमरी की, विच अगेन इंश्योर्स दैट ईच रिकॉर्ड इन योर टेबल इज यूनिक। बिकॉज अगर आपके टेबल में रिकॉर्ड्स यूनिक नहीं होंगे, यू विल गेट लॉट ऑफ डेटा इनकन्सिस्टेंसी। सो यूनिकनेस का मतलब ये है कि आपके टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर नहीं किए जा सकते, और जो प्राइमरी की फील्ड आपने लगाई हुई है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, उसमें ब्लैंक भी आप नहीं छोड़ सकते, मतलब आप नल वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की आप यूज कर सकते हैं। ये तो एक बात हुई प्राइमरी की के कि ये इंश्योर करता है यूनिकनेस ऑफ रिकॉर्ड। एट द सेम टाइम कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए डेटाबेस में हम दो टेबल्स को आपस में रिलेट करते हैं टू अवॉइड द डेटा कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा रिडंडेंसी एंड एज आई सेड डेटा इनकन्सिस्टेंसी। तो यहां पर अगर दो टेबल को आपस में आपको कनेक्ट करना है, तो उसमें जो मेन टेबल होता है जिसको हम मास्टर टेबल या प्राइमरी टेबल बोलते हैं, उसमें किसी एक फील्ड में प्राइमरी की हमको लगाना जरूरी है, और जब वो फील्ड प्राइमरी की हो जाती है और वही सेम फील्ड जब दूसरे में एग्जिस्ट करती है, जब आपको आप उन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये यहां पर फॉरेन की हो जाती है। तो इसका मतलब मल्टीपल टेबल के बीच रिलेशन इस्टैब्लिश करने के लिए भी प्राइमरी की हमें जरूरत पड़ती है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस प्राइमरी की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट साइबर लॉ। अगेन एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि अगर आपकी खुद की कोई क्रिएशन है, इन्वेंशन है, यदि आप उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली उस ऑनर के लिए काफी लॉस वाली बात होगी, और नेक्स्ट टाइम से वो ऑनर शायद हो सकता है कि वर्क ना करे। तो इस तरह के जो साइबर क्राइम्स मोस्टली जो इंटरनेट में होते हैं, उन साइबर क्राइम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर लॉज बनाए गए हैं, और ये साइबर लॉज हमारे इंडिया में भी है, जिसे इंडिया IT एक्ट के नाम से हम जानते हैं। ये बेसिकली एक लीगल सिस्टम होता है जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब दोनों में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको लीगली चेक करता है कि वो सही है या नहीं है, एंड एट द सेम टाइम जो भी इंफॉर्मेशन हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लॉस है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है, और साथ में अगर कोई फ्रॉड या स्कैम होता है तो उससे आपको बचाने की कोशिश करता है, ताकि आप स्ट्रेस फ्री होकर इंटरनेट पे वर्कआउट कर सकें। सो दिस इज समथिंग अबाउट द साइबर लॉ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ SQL। वॉट इज दिस SQL एक्चुअली इज? वी ऑल नो दैट कि जब आप MySQL में वर्क करते हैं, तो MySQL में वर्क करने के लिए जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज हम यूज करते हैं, दैट इज योर SQL। इट स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बेसिकली सेट ऑफ कमांड होती है जिसकी हेल्प से हम किसी भी DBMS में या RDBMS में अपने डेटाबेस को, या यू कहें अपने टेबल को मैनेज कर सकते हैं। टेबल को या डेटाबेस को मैनेज करने का मतलब ये होता है हम उसके डिजाइन को मैनेज कर सकते हैं, एट द सेम टाइम उसके रिकॉर्ड्स को भी मैनेज कर सकते हैं। बेसिस ऑन दिस जो SQL कमांड्स होते हैं, उनकी दो कैटेगरीज होती हैं, एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, वन इज योर DDL, वन इज योर DML। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दैट इज DDL, इज बेसिकली यूज टू मैनेज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस एंड टेबल्स। मेनली इसके अंदर में क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप डेटाबेस, अल्टर, इस तरह के कमांड इस्तेमाल किए जाते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इट मीन्स DML में बेसिकली हम रिकॉर्ड मैनेज करने की बात करते हैं, और इसमें जो कमांड ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। तो ये तो बात हुई हमारे SQL की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्लाइसिंग। नाउ स्लाइसिंग इज ऑल अबाउट, यू नो,
extracting the subset of given data series. Data series in the sense, I am talking about series object which we actually work in Python Panda. So slicing ka kaam hota hai ki hamare paas jo bhi available records hain, usme ek particular range of values ko in terms of subset find out karna, retrieve karna, extract karna. और जब आप स्लाइसिंग करने की बात करते हैं तो स्लाइसिंग जो होती है उसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम पहले सीरीज ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसमें तीन वैल्यूज हम डिफाइन कर सकते हैं, लाइक स्टार्टिंग पोजीशन जहां से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और कहां तक की वैल्यू आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, दैट इज योर एंडिंग पोजीशन, और जो वैल्यूज आप एक्सट्रैक्ट करेंगे क्या वो कंटिन्यूसली करना है या ऑल्टरनेट करना है या कितने के डिफरेंस में वैल्यूज को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम स्टेप वैल्यू को मेंशन करते हैं. यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्लाइसिंग जो होती है वो हमेशा पोजीशन के अकॉर्डिंग होती है ना कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग. इसे मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ. नाउ लेट सपोज आई हैव ए सीरीज लाइक यू नो 4, 6, 5, 3, 2 और इसकी जो इंडेक्सिंग है दैट इज एक्चुअली ए बी सी डी एंड ई. सो इफ यू टेक लाइक एस बी तो डेफिनेटली आपको 6 रिटर्न करेगा, बट सपोज आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट दिस पार्ट 6, 5 एंड 3, सो देयर आई कैन नॉट यूज लाइक एस बी टू डी. तो मैं यहां पे इनकी पोजीशंस का इस्तेमाल करूंगा और ये पोजीशन कैसी होती है लाइक 0, 1, 2, 3 एंड 4. बेसिस ऑन दिस पोजिशनल वैल्यू व्हाट आई कैन डू इज आई टेक दिस सीरीज, आई टेक द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ 6 दैट इज 1, एंडिंग पोजीशन इज 3 विच इज 3 अगेन, बट मैं यहां पे लूंगा 4 तक क्योंकि जो लास्ट वैल्यू मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं दैट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड. सो अब मैं अगर इसे क्लोज करके रन करूंगा यू विल सी इट विल रिटर्न यू 6, 5 एंड 3. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्लाइसिंग एंड पोजिशन वाइज हम कैसे एक्सेस करते हैं. एंड इसी तरह से यदि आप लिखते एस एंड देन यू राइट 1, तो इसका मतलब ये 6 से लेकर 2 तक की सारी वैल्यूज को आपको डिस्प्ले कर देता. और अगर आप लिखते एस 0, एंड इसके बाद फिर कोलन लगाते और 2 से आप जंप कराते तो ये स्टार्ट करता 4 से, 4 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट 5 शो करता, देन उसके बाद ये आपको शो करता 2 को. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ. Here it is talking about phishing. Phishing is actually, as its name implies, ये word basically जो आया है वो normal English का term phishing से आया है, जहां पर कि हम obviously बहुत सारी fishes को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं. तकरीबन वही concept phishing का यहां पर भी है. Basically phishing एक illegal activity है internet में जो कि किसी भी individual की जो sensitive और personal information होती हैं उनको प्राप्त करने की एक प्रैक्टिस होती है, और इसके लिए ज्यादातर जो मिसचीफ मॉन्गर्स होते हैं उनके द्वारा ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है या जो हैकर्स होते हैं उनके द्वारा ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है. और ये जो ईमेल या जो मैसेजेस आपके पास आते हैं वो इस तरह के होते हैं जैसे कि बिल्कुल वो किसी ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से आप रिसीव कर रहे होते हैं, तो आप बिल्कुल कई बार इसमें ट्रैप हो जाते हैं और उसकी बेसिस पे जब आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है. सो बाई फिशिंग स्कीम साइबर क्रिमिनल कैन स्टील बैंकिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स एटसेट्रा. सो दिस इज ऑल अबाउट द फिशिंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एसक्यूएल कॉन्स्टेंट, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा की थी जब हम एग्रीगेट फंक्शन की बात कर रहे थे. एसक्यूएल कॉन्स्टेंट बेसिकली डेटा वैलिडेशन होते हैं जो कि जब हम कोई टेबल डिजाइन करते हैं डीबीएमएस में या आरडीबीएमएस में तो वहां हर एक फील्ड के साथ इसे अपनी जरूरत के हिसाब से हम इंक्लूड करते हैं. इसका पर्पज होता है कि जो भी डेटा हमारे टेबल में स्टोर हो रहा है इट शुड बी एक्यूरेट, इट शुड बी रिलायबल एंड इट शुड बी कंसिस्टेंट. और इस चीज को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स हम अपने टेबल में अप्लाई कर सकते हैं. वी ऑल आर वेरी वेल नोन टू दिस प्राइमरी की, सिमिलरली फॉरेन की, नॉट नल, डिफॉल्ट, यूनिक एंड चेक. सो ऑल दीज आर द डिफरेंट कॉन्स्टेंट दैट वी कैन यूज इन एसक्यूएल. प्राइमरी की इंश्योर द यूनिकनेस ऑफ रिकॉर्ड, फॉरेन की बेसिकली इंश्योर द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और यू कैन से द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स. नॉट नल इंश्योर्स दैट कि अगर आप किसी फील्ड में नॉट नल लगा देते हैं मतलब वहां पे ब्लैंक आप नहीं डाल सकते, मतलब आपको वहां डेटा डालना ही होगा. डिफॉल्ट का मतलब होता है कि इनकेस किसी फील्ड के लिए आपने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की 100 और उसमें उस फील्ड में इनकेस कोई वैल्यू इनपुट ना की जाए तो ऑटोमेटिकली 100 स्टोर हो जाता है. यूनिक की इज ऑल्सो इंश्योर द यूनिकनेस ऑफ रिकॉर्ड. फर्क सिर्फ ये होता है कि चूंकि हमारे टेबल में हम सिर्फ एक ही प्राइमरी की यूज कर सकते हैं एंड इन केस सपोज जैसे मान लीजिए मेरे पास एक आइटम सपोज कस्टमर नंबर है, देन नेम है, देन एड्रेस है. मैंने कस्टमर नंबर को प्राइमरी की दे दिया, इसका मतलब यहां पे तो हम यूनिकनेस मेंटेन कर रहे हैं,
बट एट द सेम टाइम यदि मेरे सॉफ्टवेयर की डिमांड ऐसी है कि मेरा एड्रेस भी यूनिक होना चाहिए, मैं इसे डुप्लीकेट नहीं ले सकता, तो ऐसी सिचुएशन में मैं दोबारा प्राइमरी की तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यूनिक की का इस्तेमाल करूँगा और इसे यूनिक कर दूंगा। सो दिस इज व्हाट द पर्पज ऑफ दिस यूनिक। एंड चेक कॉन्स्टेंट होता है जो कि अगेन जो एक वैलिड रेंज ऑफ वैल्यूज को इंश्योर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज कि मेरे पास एक आइटम टेबल है जहां पर एक क्वांटिटी है, मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई 20 से कम वैल्यू यहां पे इनपुट करे तो इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी कैन यूज दिस चेक कॉन्स्टेंट वेयर आई कैन सिंपली मेंशन दैट क्वांटिटी शुड ऑलवेज बी यू नो ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। तो इस तरह की वैलिडेशन जब आप अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग डिजाइन टाइम, सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड योर कॉन्स्टेंट्स। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। We are talking about network topology, which is again geographical arrangement of the devices. Say for example, मेरा ये एक computer network है, मेरे पास चार system हैं, और इन चारों को अगर मैं कुछ इस तरह से connect कर दूं, so this becomes what your ring topology, मतलब ये जो shape हो गई वो as a ring हो गई। आप इसे circular form भी कर दीजिए, मैंने इसे rectangle form दे दिया है। Similarly, there is you can say different nodes. तो अगर आप कुछ इस तरह का टोपोलॉजी बनाएं या जियोग्राफिकल अरेंजमेंट करें नेटवर्क का, सो दिस इज कॉल्ड योर स्टार। सिमिलरली अगर आप कुछ इस तरह से एक ही लाइन में मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट करें, सो दिस इज व्हाट योर बस टोपोलॉजी। और मेश का मतलब ये रहता है कि जैसे ये हमने बनाया है यहाँ पर, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम मेश कह सकते हैं। या ज्यादा बेहतर होगा जैसे हमारे पास डिफरेंट इस तरह के नोड्स हैं और आप इस तरह से कहीं से किसी को भी कनेक्ट कर दें, ये मेश कहलाता है। सो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है बट कई दफा ये यूजफुल भी होता है। तो ये जो जियोग्राफिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेज होते हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क में एस्टैब्लिश करने के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज योर नेटवर्क टोपोलॉजी। ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि जितने भी नोड्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम कम्युनिकेशन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, दैट कैन बी यू नो वायर्ड और वायरलेस। तो वायर्ड यूज करते हैं तो ऑब्वियसली हम केबल यूज करते हैं, और ऑब्वियसली वाईफाई डिवाइस या इस तरह के बूस्टर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वायरलेस कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है। एंड ऑब्वियसली ये डेटा जो ट्रांसमिशंस होते हैं ये दो नोड के बीच में इन केबल्स के थ्रू ही होते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस नेटवर्क टोपोलॉजी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म नाउ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस HTTP। वी ऑल नो दैट HTTP इज अ प्रोटोकॉल एंड द फुल फॉर्म ऑफ दिस HTTP इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वी ऑल नो दैट कि जब हम दो डिफरेंट डिवाइसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर सिस्टम, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ऑब्वियसली उसके लिए एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है, बट देर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस कि डेटा किस तरह से ट्रांसमिट होगा। तो एक रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं TCP/IP, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसी तरह से अगर आप ईमेल का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सो देर वी यूज दिस SMTP। फाइल डेटा ट्रांसफर करना है उसके लिए हम FTP यूज करते हैं। उसी तरह से HTTP भी एक प्रोटोकॉल होता है जो बेसिकली हम इन्वॉल्व करते हैं WWW के साथ में। इन द सेंस WWW, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब में जितने भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, यदि उन्हें हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है, दैट इज बेसिकली HTTP। इट इज यूज टू एक्सेस द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। व्हेन आई एम सेइंग दिस WWW, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंटरनेट। इट कैन कंटेन, ऑब्वियसली जब आप वेबसाइट की बात करते हैं, यू ऑल नो दैट कि जो भी वेबसाइट है वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होती है। इनफैक्ट वी कैन से दैट इट इज ए मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट विच कैन कंटेन यू नो टेक्स्ट, विच कैन कंटेन इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज एंड ऑल दैट। सो दैट्स वाई वी से दैट कि ये जो मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स का जो एक्सचेंज होता है या इन्फॉर्मेशन का जो एक्सचेंज होता है, उसके लिए हम इस HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप बाय क्लॉज नाउ। इसके बारे में भी जैसे अभी हमने एग्रीगेट फंक्शन का बात की कि सपोज अगर आपके पास जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं किसी एग्जिस्टिंग टेबल में और उनकी आपको समरी जनरेट करनी है, समरी रिजल्ट आपको जनरेट करना है, वहां पर हम ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हम ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं यहां पे डिटेल में फिर से आपको नहीं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसका ऑलरेडी एग्जांपल मैंने एग्रीगेट फंक्शन जो अभी डिस्कस किया था टर्म वहां पे बताया था। तो यदि आपको जरा सा भी डाउट हो तो आप फिर से उसे देख सकते हैं। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डायनेमिक वेब पेजेस। वेल वी ऑल नो दैट कि जो भी वेबसाइट में पेजेस होते हैं जो आप अपने ब्राउजर में देखते हैं वो बेसिकली वेब पेज के नाम से जाने जाते हैं। ये वेब पेज या तो स्टैटिक भी हो सकते हैं या डायनेमिक भी हो सकते हैं। स्टैटिक का मतलब विच आर फिक्स और डायनेमिक का मतलब जो फिक्स नहीं होता है। फिक्स नहीं होने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई
पर्टिकुलर साइट ओपन करें और हर बार उसका पेज डिफरेंट कॉन्टेंट्स को डिस्प्ले करें, दैट इज एक्चुअली योर डायनेमिक वेब पेज। और डायनेमिक वेब पेज जो बनाए जाते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं डिफरेंट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो एट रन टाइम ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड ऑफ द यूजर कंटेंट्स को उसमें प्लेस करते हैं, थ्रो करते हैं या डिस्प्ले करते हैं। सो इसमें जो भी कंटेंट आते हैं दे आर ऑलवेज रियल टाइम। लेट सपोज अगर आप CBSE की वेबसाइट पे जाएं तो उसमें जो कंटेंट आपको दिख रहे हैं दे आर नॉट फिक्स्ड, हमेशा वो कंटेंट चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ यूजर। सो दिस काइंड ऑफ पेजेस आर एक्चुअली कंसिडर्ड एज डायनेमिक वेब पेज। सो इट यूजेस सर्वर साइड लैंग्वेज टू प्रोसेस रिक्वेस्ट एट द टाइम इट्स मेड एंड जनरेट अ पेज एंड इट्स कंटेंट इन रियल टाइम। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। We are talking about data frame now. We all know that data frame is again part of Python Pandas library. Means it is a data structure, but इसे हम two dimensional data structure के नाम से जानते हैं, which is again used for managing large and complex data. कुछ properties होती हैं data frame की, like इसमें आप size और value दोनों को ही change कर सकते हैं। It can store different type of data at the same time, heterogeneous data को store कर सकता है। बिकॉज यहाँ पर टू डायमेंशन होते हैं इसलिए यहाँ पर जो इंडेक्सिंग होती है वो भी दो होती है, एक होती है रो इंडेक्स, एक होता है कॉलम इंडेक्स। और इसी तरह से इट डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्मेट्स। ऑब्वियसली जब हम 2D की बात कर रहे हैं तो डेटा टेबल के ही फॉर्म में होगा। लेट सपोज आई हैव सम डेटा लाइक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। सो ये एक डेटा फ्रेम के फॉर्म में हम मैनेज कर सकते हैं। और जब आप इसकी इंडेक्सिंग देखेंगे तो ये डिफॉल्ट इंडेक्सिंग मैंने की है। सो दिस इज योर रो इंडेक्सिंग एंड दिस इज व्हाट योर कॉलम इंडेक्सिंग। सो दीज काइंड ऑफ डेटा स्टोरेज कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्रेम। और जब भी आपको डेटा फ्रेम को ऑब्वियसली यूज करना है तो हमें सबसे पहले तो पैथन पैंडा लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना होता है। सो वी ऑलवेज राइट इम्पोर्ट पैंडाज एज PD। एंड जब भी आप कोई डेटा फ्रेम रेडी करते हैं वी ऑलवेज टेक द ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा फ्रेम, जहां पर हम PD डॉट इज डेटा फ्रेम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर हम पास करते हैं एक डेटा स्ट्रक्चर को। वो डेटा स्ट्रक्चर या तो लिस्ट हो सकता है या डिक्शनरी हो सकता है या एरे हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। लेट सपोज यहां पे अगर मैं एक डिक्शनरी पास करूं लाइक दिस, जहां पे मैंने डाला A:1:2, देन उसके बाद में मैं यहां पे दूसरा की लेता हूं B एंड यहां पे मैं डालता हूं 3:4 और इस डी को यहाँ पे मैं पास कर दूं तो जो डेटा फ्रेम रेडी होगा दिस विल बी लाइक ए एंड बी और यहाँ पे आ जाएगा ए का 1 देन 3। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस डेटा फ्रेम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। हियर इट इज टॉकिंग अबाउट साइबर क्राइम। नाउ वी ऑल नो दैट कि जब आप इंटरनेट पे वर्क कर रहे होते हैं तो बहुत सारी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज होती हैं जो कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर को, आपके गैजेट को या आपकी जो इन्फॉर्मेशन हो उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं दे आर बेसिकली नोन एज व्हाट साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम में ज़्यादातर डेटा थेफ्ट की हम बात करते हैं, फिशिंग जो अभी हमने देखा, साइबर बुलिंग जहां पर कि हम अननेसेसरली किसी इंडिविजुअल को थ्रेट करते हैं, परेशान करने की बात करते हैं, साइबर स्टैकिंग इज देयर, वायरस डिस्ट्रीब्यूशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बैंक फ्रॉड एटसेट्रा। तो इस तरह की तमाम जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं दे ऑल कम अंडर दिस साइबर क्राइम। सो आई थिंक इसमें बहुत ज्यादा मुझे तवज्जो देने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू ऑल कैन अंडरस्टैंड और आप बहुत अच्छे तरीके से इसे डिफाइन भी कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट नाउ। दिस इज सॉर्टिंग सीरीज वैल्यूज। वेल सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को अरेंज करना। तो जो सीरीज ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पाइथन पांडा में उन ऑब्जेक्ट्स में भी जो वैल्यूज होती हैं उन्हें भी हम अरेंज कर सकते हैं आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। और सीरीज वैल्यूज को अगर हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक सॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यूज और दूसरा सॉर्ट अंडर स्कोर इंडेक्स। सॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यू का मतलब ये है कि हमारी जो सीरीज है, लेट सपोज दिस इज माई सीरीज, तो इसमें वैल्यूज भी होती हैं और इसके इंडेक्स भी होती हैं। यदि आप वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको सॉर्टिंग करना चाहते हैं दैट टाइम वी यूज दिस सॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यूज, और अगर आप इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना चाहते हैं दैट टाइम वी कैन यूज दिस सॉर्ट अंडर स्कोर इंडेक्स। तो इफ आई सपोज दिस इज माई सीरीज ऑब्जेक्ट एंड इफ आई राइट एस डॉट सॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यूज और इसके ब्रैकेट में जाके मैं असेंडिंग सही तरीके से नीचे लिख देता हूं, एंड आफ्टर दिस जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, सपोज दिस इज माई सीरीज, यू विल सी दिस विल बी लाइक 50, देन 40, देन 30, देन 20, देन 1। इस तरह से ये सीरीज की वैल्यूज हमारी अरेंज हो जाएंगी। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज विच आई ट्राइड फ्रॉम माई साइड टू शेयर विथ यू ऑल सो दैट
आपको ये हेल्प कर सके इन सारे टर्म्स को समझने में और एट द सेम टाइम आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। चलिए इसी होप और इसी उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।